निकाय चुनाव में भारी जीत के बाद भाजपा के लोग काफी उत्साहित हैं। इसी कड़ी में पब्लिक टीवी इंडिया के विशेष संवाददाता अंकित चौहान ने नगर विधायक रितेश गुप्ता, नव निर्वाचित पार्षद महिमा भारद्वाज, साथ ही पूनम बंसल से बात की और जाना कि किस रणनीति के तहत भाजपा ने अपने लक्ष्य को पाया। रितेश गुप्ता ने बताया कि बूथ स्तर तक की रणनीति से भाजपा विजयी रही, साथ ही विपक्ष के कर्मों का फल उसे मिला। कम उम्र की नई पार्षद महिमा भारद्वाज भी खासी उत्साहित नजर आईं। पूनम बंसल ने भी जीत का श्रेय क्षेत्र की जनता को दिया। तीनों से बातचीत में निकाय की खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी। तीनों ही भाजपा की रणनीति को निर्णायक बता रहे थे। निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, नगर विधायक हैं रितेश गुप्ता जी। आज हम उन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ खास विशेष तैयारियां थी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पहले से और ज़्यादा सीटों पर काबिज हुई है, और भारतीय जनता पार्टी पर एक बार जो दावेदार थे, जो वादे किए गए थे, उन वादों पर कितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खरा उतरेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह से कोई खास तैयारी थी जिस तरह से पहले कुछ सीटें थी और उसके बाद में अपने डेढ़ गुना ज्यादा सीटें रही। इस निकाय चुनाव में हम लोगों ने रणनीति तैयार की थी। हमने ये चुनाव पूरा वार्ड के बेस पे लगा और हमने वार्ड वाइज टीम तैयार करी और नीचे बूथ तक हमने टीम बनाई और हमने पूरा फोकस अपना चुनाव का वार्ड पे रख दिया था। तो यही हमारी सफलता का राज रहा। अब सारे कार्यकर्ता ने तन मन धन से इस चुनाव में काम किया, जिसकी वजह से हमने पूर्ण बहुमत निगम में प्राप्त किया और जो भी वादे नहीं, वो संकल्प है हमारा। और शहर के विकास को लेकर सारे काम, सड़क, बिजली, पानी, लाइट, ये चार प्रमुख काम हैं जो नगर निगम से जुड़े हुए हैं, इनको फोकस करके हम लोग काम करेंगे। अभी कुछ नवनिर्वाचित पार्षद मेरे पास मिलने आए थे तो मैंने उनको भी यही बताया कि आप लोग अपने क्षेत्र में घूम के जहाँ जहाँ सड़कें खराब हैं, नालियाँ नहीं बन रही हैं, सफाई व्यवस्था बहुत खराब है, उनको सबको टारगेट करके उसको चेक करें और उस पर फोकस करके काम करें। जिस तरीके से देखें निकाय चुनाव से पहले की प्लानिंग थी, उसके बाद में कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा था कि आपस में मतभेद हो, लोग नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसका कहीं कोई मतभेद नहीं था। आपने स्वयं देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव में लगा हुआ था और उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने इतने बड़े बहुमत से मेयर की सीट जीती और अपने 36 पार्षद हम लोगों ने बनवाए। कहीं कोई मतभेद नहीं था, सब लोग, सारे कार्यकर्ता, सारे नेता मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। इसी का परिणाम है कि हम लोग इतनी बड़ी जीत हम लोगों ने हासिल की। फाइट रही थी, अगर फाइट की बात करें तो समाजवादी पार्टी से हल्का जा रहा था, लेकिन वो तीसरे समाजवादी पार्टी विलुप्त होती आ रही है उत्तर प्रदेश से, और ये मुरादाबाद का चुनाव ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी के जो कर्म थे 5 साल, जो उन लोगों ने कर्म किए, उसी का परिणाम है कि आज वो तीसरे नंबर पे मुरादाबाद में रहा। तो उसके बाद अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस दूसरे स्थान पर आई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी बढ़त की ओर है। नहीं, कांग्रेस बढ़त की ओर नहीं है। जो मतदाता थे उन्होंने समाजवादी पार्टी को के तुलना में कांग्रेस को वोट देना ज़्यादा उचित समझा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कहीं बढ़त पे है या कांग्रेस से कहीं जनाधार जो खोया हुआ था वो वापस आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सपा को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस को चुना। इसके बाद में अगर 2019 की बात करें तो कहीं ना कहीं ये उसका एक एग्जाम्पल था, उसी आधार पर आगे रणनीति। 2019 में भी हम लोग पिछली बार 73 सीटें ली थी, अब की बार 80 सीटें हम लोग जीतेंगे और योगी जी और मोदी जी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, हम लोगों का एजेंडा विकास का एजेंडा है, उसी एजेंडे पे हम लोग काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा और कानून व्यवस्था, इन 6 मुद्दों पे पूरी भाजपा का फोकस है, सारे नेताओं का फोकस है और इसी पे काम कर रहे हैं। 2019 का चुनाव हम लोग पूर्ण बहुमत से जीते। अच्छा, एक बात अगर करें कि योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद आना, वो बड़ा इफेक्ट था। हाँ, बहुत बड़ा इफेक्ट था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुरादाबाद में आए तो उनके आने से पूरा वोट संगठित हो गया, हर समाज का, हर तबके का वोट हम लोगों को मिला। तो उनके आने से हमको बहुत बड़ा फायदा चुनाव में हुआ। और कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केशव मौर्य जी यहाँ रहे,
तो उनके आने से भी हमको बहुत फायदा मिला। अच्छा एक चीज और है कि अगर विपक्ष भी चुनाव को सही से लेता तो क्या कह सकते हैं कि वो आपके फाइट में रहता था? कहीं कोई विपक्ष नहीं था, सब भाजपा ही भाजपा था, भाजपा को लोगों ने समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया मतदाताओं को। नहीं जैसे जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद आना, उस तरह से मुरादाबाद में किसी बड़े नेता की किसी और किसी की भी कोई जनसंपर्क नहीं, कोई जनसभा नहीं, उसका भी बड़ा फर्क। विपक्ष के नेताओं को पता था कि उनके आने का कोई प्रभाव नहीं होगा, इसलिए कोई भी विपक्ष का नेता मुरादाबाद या कहीं और क्षेत्रों में नहीं गया। उनको पता था कि सारा माहौल मोदी में और योगी में हो चुका है, इसलिए कोई भी नेता यहाँ नहीं। तो ये हमारे नगर विधायक नितेश गुप्ता जी, जिन्होंने हमारे सवालों के विभाग की से जवाब दिए। हम देखना होगा कि जनता ने जिस तरह से पार्षदों पर और मेयर पर भरोसा जताया वो उस पर कितना खरा उतरेगा आने वाला वक्त बताएगा। पब्लिक टीवी की टीम अब पहुंच चुकी है गोविंद नगर में, जहां पर वार्ड 12 से महिमा भारद्वाज विजयी हुई हैं। सबसे अच्छी बात और सबसे मजेदार बात यह है कि सबसे यंगेस्ट और सबसे कम उम्र की जो युवा हैं वो उन्होंने पार्षदी की इस सीट पर अपना कब्जा जमाया है। देखना होगा कि इस जो युवा पीढ़ी है और युवा पीढ़ी जिस तरह से आगे बढ़ रही है विकास में किस तरह से अपना अपना अहम योगदान निभाएंगी और आगे क्षेत्र का विकास किस तरह से नई सोच के साथ करेंगी, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं महिमा भारद्वाज के पास में। हम जानेंगे कि सबसे पहले आपको बधाई पार्षदी आप जीती हैं, और जानना चाहेंगे किस तरह क्षेत्र का विकास होने वाला है। क्षेत्र का विकास अच्छी तरह से ही होगा, जैसे जो ये लाइंस की प्रॉब्लम है पहले इसको सॉल्व करा जाएगा, और सफाई जैसे मोदी जी कहते हैं सफाई अभियान चला रखा है उन्होंने, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सफाई हमें खुद ही करनी पड़ेगी तो वो, और ये पुल का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये भी करवाना पड़ेगा, और रोड नाली ये सब भी चलेगा और अच्छे से होगा ये सब। अच्छा जिस तरीके से जब चुनाव हुआ था, अगर चुनाव की बात करें या कैंपेनिंग भी आपने की थी, किस तरह की प्रॉब्लम्स थी अभी उसमें? सड़कें और थोड़ी गंदगी की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और बाकी सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम है वो रेलवे लाइन से है, तो सब यही शिकायत कर रहे थे कि रेलवे लाइन्स को मतलब इसका पुल बनवाओ ये वो, तो वो ही सबसे मेन मुद्दा है यहाँ का। अच्छा अगर बात करें बहुत सारे कैंडिडेट आपके भी सामने खड़े, उस वक्त कैसा फील था कि मैं सबसे छोटी हूँ और कैसे मुझे ये ऐसा कुछ सवाल आया? बहुत लोगों ने बोला छोटी हो पापा काम करेंगे, तो वही सब यही बोल रहे थे कि तुम तो कुछ करोगी नहीं पापा करेंगे, तो उनको भी दिखाना है कि नहीं पापा भी करेंगे उससे ज़्यादा हम करेंगे। उस वक्त कैसा फील होता था कि आखिर ऐसी सोच? बच्चा समझते थे कि छोटी है ये तो हार जाएगी, ये वो है, नहीं अब जीत गए हैं तो अब काम करेंगे। क्या क्षेत्र की जनता से क्या जिस तरह से उन्होंने अपना प्यार दिया है क्या कहेंगे? उनको बहुत बहुत धन्यवाद सारे क्षेत्रवासियों को कि उन्होंने मुझे जिताया, उनसे बस यही कामना है कि अपना प्यार और अपना आशीर्वाद मुझे देते रहें, और धन्यवाद। अच्छा इसके बाद एक सवाल और है, क्या लगता है इस बार जो चुनाव हुआ वो मोदी लहर में हुआ या महिमा भारद्वाज की लहर में हुआ? नहीं मोदी लहर में हुआ, मोदी लहर में। आप पार्षदी भी इससे पहले भी पार्षदी आपके आप ही के घर में थी और इस बार भी आप ही के पास में है, कब्जा आप ही ने किया है, तो क्या लग रहा है क्षेत्र का और कितनी तेजी से विकास होने वाला है? ज़्यादा अच्छी स्पीड से होगा इस बार विकास। कुछ नई सोच? नई सोच तो है ही कि अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है और नए सॉल्यूशंस के साथ सॉल्व करना है, वो रहेगा, वो मतलब वो चलता रहेगा आइडिया कैसे कैसे सॉल्व करना है वो चलता रहेगा। तो ये थी हमारे साथ में महिमा भारद्वाज। अब देखना होगा कि नई सोच कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और क्षेत्र का विकास कितनी तेजी से होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। पब्लिक टीवी की टीम पहुंच चुकी है वार्ड 21 में पूनम बंसल जी के पास में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पर इन्होंने दावेदारी की थी और नामांकन कराया, फिर उसके बाद में जनसंपर्क किया, जनता पर भरोसा किया, उसके बाद जनता ने भी इन पर भरोसा करने के बाद इन्हें विजयी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी से पूनम बंसल जी वार्ड 21 से विजयी हुई हैं। अब देखना होगा कि आगामी क्या तैयारियां हैं और क्षेत्र का विकास किस तरह से करने वाली हैं, इन्हीं सब जानने के लिए हम पहुंचे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। क्या तैयारियां रहेंगी अब आगे? सबसे पहले तो मैं वार्ड 21 की सभी जनता को शुभकामनाएं, उनका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, मेरा इतना ज़्यादा सहयोग हुआ है कि जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले वार्ड 21 के सभी निवासियों से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और जहाँ तक आगे तैयारियों की बात है तो कन्वेंसिंग के दौरान हमने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया,
बहुत सारे डोर टू डोर कन्वेंसिंग में हमें बहुत बहुत दिक्कतों का सामना पड़ा, बहुत गालियां हमने खाई हैं जिनके हम हकदार नहीं थे, लेकिन उस दौरान हमने सबसे बड़ी समस्या सफाई, कूड़ा, लाइट, बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी जो डेली नीड की हैं, जो होनी चाहिए लेकिन नहीं हुई अब तक। तो हमारा सबसे पहला ध्यान बेसिक समस्याओं की तरफ रहेगा, जिसके लिए हमारे निवासियों को रोज़ की ज़रूरत है। सुबह उठकर जो कूड़े के ढेर लगे होते हैं, जो नालियां साफ़ नहीं होती हैं, जहां पार्कों में रोशनी है, हरियाली है, वो बद इंतजाम जो अब तक नहीं हो पाया है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं धीरे धीरे ही सही लेकिन विकास की ओर कार्य करूँ। क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगी? क्षेत्र की जनता का मुझे जरूरत से ज़्यादा सहयोग मिला है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी सफलता दिलाई, वो अपना भरोसा मेरे ऊपर व्यक्त किया। तो मैं उनको हाथ जोड़कर ये आश्वासन देती हूँ कि मैं उनके भरोसे को जायज बेकार नहीं जाने दूंगी। तो ये थी हमारे साथ में पूनम बंसल जी। आप इसी तरह हमारे पब्लिक टीवी चैनल को देखते रहिएगा, हम आगे भी और पार्षदों से इसी तरह बात करते रहेंगे।